हम जरा सा बेखबर क्या हो गए, आप तो बेवफा हो गए। दोस्त, ये मेरा सेकंड चैनल है। पहला चैनल जो मेरा था लाइफ ए जर्नी, वो हैक होकर बर्बाद हो गया है। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल हैक कैसे हुआ। तुम फिर आ गया। हम जहाँ जहाँ जाते हैं तुम क्यों अटकता है मेरे पीछे? क्योंकि आपका वीडियो हमको बहुत पसंद आता है और बहुत दिनों से आपका चैनल में वीडियो नहीं आ रहा है। अरे वो मेरा चैनल हैक होकर वो खत्म हो चुका है, नया चैनल बनाया है, इसी पर तो वीडियो आया है, ये चल रहा है, देख नहीं रहा है उसी तुम? पर वीडियो आएगा नया। JH सानू छेत्री, ठीक है, जाओ उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो। JH सानू छेत्री ना? हाँ। तो दोस्त, ना ही मैं कोई बाबा हूँ, ना ही मैं कोई ज्ञानी हूँ, बस आप लोग को मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कोई भी न्यू यूट्यूबर बन रहे हो या बनना चाहते हो, तो मेरी जैसी गलती बिल्कुल से ना करें आप। क्योंकि आप इतने साल मेहनत कर मैं खुद 2 साल मेहनत किया और जो 2 साल के बाद मेरा चैनल जैसे ग्रो क्या हुआ, नॉर्मल सी बात है, मोनेटाइज जैसे हुआ, 1500 सब्सक्राइबर अप्रोक्स, 1.5K सब्सक्राइबर मेरा होने के बाद ऐसा मेरे साथ घटना हुआ। क्या, आज से एक महीना पहले मेरे चैनल पर कुछ इशू आ गया था। किस चीज को लेकर? तो मोनेटाइज को लेकर। तो मैंने एक बंदर के बच्चा से मैं हेल्प लिया और उसने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लेकिन उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के बीच मैंने क्या किया था कि उसको अपना ट्रस्ट दिखाते हुए मैंने उसका अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया और उसने मौके का फायदा उठाकर उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को मेरे से लिया और एक ब्रांडेड अकाउंट बनाया। ब्रांडेड अकाउंट का मतलब होता ये है कि एक डुप्लीकेट अकाउंट बनाना, और वो ट्रांसफर कर दिया और मुझे कानों कान खबर तक नहीं हुई और उसने ट्रांसफर कर दिया। बाद में मुझे पता चला ऐसा ऐसा सीन हो गया है मेरे साथ। तो फिर आप समझ सकते हो कि कोई इंसान 2 साल तक मेहनत कर रहा है, 2 साल से मेहनत करते आ रहा है, उसके बाद अचानक उसके जो चीज वो मेहनत किया वो अचानक छीन लिया जाए, तो फिर कैसा लगेगा? वो जिसने मेहनत किया है उसी को पता है। तो गाइज, आप लोग किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। मेरे साथ जो हुआ है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप किसी से हेल्प भी लेते हो तो याद रखना किसी को अपना ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं देना है। अगर उसको आप नहीं जानते हो तो बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप जानते हो, पर्सनली आपके सामने है या फिर आपका कोई दोस्त है, तब आप दे सकते हो। और जो मेरा ये काम किया है, जिस बंदर बच्चा ने काम किया है, मैं आपको ऐसे ऐसे लोग ना काफी है आजकल के मार्केट में, और वो बंदर का बच्चा जानते हैं यही सब सिर्फ करता है, यही सब। मेरे को उसने इंस्टाग्राम में बोला कि ऐसा ऐसा अकाउंट मेरे पास कितना है कितना। तो सोचो दोस्तों, लोग कितने मेहनत करके अपने आप को टाइम देकर 1 साल 2 साल 3 साल तो यहाँ तक आते हैं, फिर ऐसे बंदर के बच्चे लोग का काम करते हैं। तो मैं सारा कुछ आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये है सारा प्रूफ जो भी मेरे साथ किया है। और ऐसे लोगों को पुलिस कंप्लेन जरूर से जरूर होना चाहिए। अगर आप लोग में से कोई है ये सब चीज में, थोड़ा सा आगे आने वाले, क्योंकि वो बंदर बच्चा सोचता है कि हम ही है जो है और उसके ऊपर कोई है नहीं, तो उसका गलत फहमी है जो कि उसको पता नहीं है। लेकिन वो सही टाइम में सही लोग से कनेक्शन हो जाएगी। और आप लोग को यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों से और ऐसे बंदर बच्चे से थोड़ा सा सतर्क रहे और दूरी बनाए। तो दोस्तों, कोई अगर इससे जाकर थोड़ा सा प्रसाद देना चाहते हो तो प्लीज दो। ये रहा इसका इंस्टाग्राम का आईडी, ये रहा इसका यूट्यूब, तो यही है दोस्तों। और ज्यादा नहीं, ये बंदर बच्चा 17-18 साल का है और ये जो कारनामा कर रहा है, और मुझे लगता है कि इसके पास नहीं तो नहीं 15-20 यूट्यूब चैनल इसके पास होगा, वो भी मोनेटाइज वाला। लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को लेकर आते हैं और ऐसे ऐसे लोग प्रॉब्लम की फायदा उठाते हैं। तो गाइज, जितना हो सके इस बंदे को आप लोग प्रसाद देने की कोशिश करें इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, ताकि आप लोग आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे लोगों का शिकार ना हो। तो गाइज, ये मेरा सेकंड चैनल है। प्लीज गाइज, आप लोग का बहुत ही सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैंने 2 साल मेहनत किया और जाकर मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और उसके बाद पल भर में सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि दुनिया का कोई भी इंसान आपका हर चीज ले सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपका टैलेंट और दिमाग कभी ले नहीं पाएगा। किसी का इतना औकात नहीं है जो इतना ले सके, समझे? तो खुद पे विश्वास रखिएगा। मुझे तो पूरा खुद पे विश्वास है, अब मेरे को उतना टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे अपना टैलेंट पता चल चुका है। जब मैं 1500 कर सकता हूँ तो मैं 1500 से ज्यादा भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ही किया था 1500 मेरे चैनल को,
तो मैं ही करूंगा फिर से। बस गाइज, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ऐसे लोगों से आप लोग जो भी न्यू यूट्यूबर लोग हैं ये सब बच सके। तो गाइज, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी होगी। तो गाइज, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले लोग शिकार ना हो। तब तक मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आप लोग जितने भी मेरे पुराने वाले चैनल पे लाइफ ए जर्नी पे जो सब्सक्राइबर थे, उसका नाम चेंज हो गया है। जो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, वो आप लोग सर्च करके निकाले या फिर सब्सक्राइबर बटन में जाए और सारे लोग अनसब्सक्राइब कर दे इस चैनल को, क्योंकि ये मेरा चैनल था और उसने नाम चेंज कर दिया है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग सारे लोग इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे, ताकि उसको कोई भी बेनिफिट ना हो।